अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बकरा ईद आ रही है तो मैंने सोचा चलो मैं भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, कुक लाइक शहला, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाएँ। नल्ली नहारी पाए सबकी रेसिपीज़ वहाँ पर ऑलमोस्ट जहाँ तक है, चापों की सब चीज़ों की मैंने डाली हुई है, तो वहाँ से आप रेसिपी चेक कर लें और बनाएं फिर जो बनाना है। यहाँ बना रही हूँ मैं कबाब, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं गोश्त डालती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, खड़े लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी पिसी भी डाल देती हूँ और नमक डालती हूँ। और बस ये सब चीज़ें डाल के मैं गोश्त को पहले गला लेती हूँ। जब गोश्त अच्छा गल जाता है ना, फिर उसके बाद मैं उसमें चने की दाल को पहले भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको भी डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद में गरम मसाला डाल देती हूँ, पानी डाल के फिर अच्छे से उसको गलने के लिए रख देती हूँ। तो मैं कभी भी कीमे के नहीं बनाती हूँ कबाब, मुझे कीमे के कबाब बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें सत नहीं होता, अजीब से लगते हैं बहुत ज़्यादा। और बोटी के कबाब जो होते हैं इतने मज़े के लगते हैं और गोश्त, तो ऐसे बनाइएगा आप तो आपके कबाब देखना बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही मज़े के। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से, और बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि कौन कौन ऐसा है जो बोटी के कबाब बनाता है, ठीक है, ये भी बताइएगा मुझे। और यहाँ मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, जब कबाब बनाती हूँ ना तो मैं सालन नहीं बनाती हूँ उसके साथ में, मोस्टली जो मेरा काम होता है ना मैं दाल बनाती हूँ, कोई सी भी दाल बनाऊंगी, क्योंकि ना सब कबाब ही खा रहे होते हैं, सालन कोई नहीं खाता, इसलिए मैं सालन बनाती ही नहीं हूँ, कोई सा भी मैं दाल बना लेती हूँ थोड़ी सी कोई सी भी। तो यहाँ मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, जैसे मैंने चने की दाल बताई थी वैसे ही मैं मूंग की दाल बनाती हूँ। ऑयल डाला, प्याज डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ी सी कूट के जो है ना हमने काली मिर्ची डाली हुई है, हल्दी मिर्च नमक और मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें डाल के इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए हमने इतना गला लिया है कि सब गोश्त भी हमारा खूब अच्छा हो गया है, रजा रजा, और दाल भी। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना दाल भी मैंने भिगो दी थी मूंग की, और इस तरह से ये पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूँ, वो खिली खिली बनाती हूँ इसे मैं, हप्पा अच्छी नहीं लगती हप्पा। तो यहाँ पे देखिए हमने पीस लिया है इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से, और अगर सिलबत्ते पे पीसा जाए ना तो और इसका टेस्ट मज़े का हो जाता है, खूब मज़े का, तो अच्छा लगता है। तो मुझे ना ज़्यादा गोश्त के और दाल कम वाले कबाब अच्छे लगते हैं। आप लोग बताइएगा आपकी पसंद क्या है और आप लोग किस तरह से बनाते हैं। बहुत से लोग प्याज भी डालते हैं, बॉईल करते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे प्याज, पुदीना, हरी मिर्च, इस मौसम में पुदीना तो नहीं मिलेगा, तो खैर नहीं मिलेगा तो सूखा पुदीना जो हमने स्टोर किया हुआ वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैं ये सब काट लेती हूँ और फिर इसमें मिक्स करके बना देती हूँ, पूरा भर के नहीं बनाती हूँ, बच्चे निकाल निकाल के फेंकते हैं, इसलिए मैं सारा ही इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो क्या होता है थोड़ा बहुत तो खाने में आ ही जाता है, बस अब इसको मिक्स करेंगे। यार पानी आ रहा है मेरे मुंह में देख देख के, पता है मेरे इतने फेवरेट हैं ना कबाब, इतने फेवरेट हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी जब मेरा खाना जो है ना, डॉक्टर ने मना किया हुआ है दानों की वजह से, पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो उस वजह से तो फिर मैं बहुत कम खा रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कबाब, बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। आप लोग बताइए आप लोग किस किस के फेवरेट हैं, मेरे इतने फेवरेट हैं ना, मतलब मैं अभी देख रही हूँ ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार कबाब देख के, तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे कबाब खाने में। तो पूरे रमज़ान में इसीलिए स्टोर करके रखती हूँ कि रोज़ सहरी में एक कबाब मुझे खाना है, एक कबाब और एक पराठा, बस ये मेरी सहरी हो जाती है। तो ये देखिए हमारे कबाब बन के रेडी हैं, इसी तरह से सारे कबाब जो है ना हम रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद में फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और क्या करेंगे, कबाब बनाने के बाद तो फ्राई करते हैं ना। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं, आपकी रेसिपी क्या है, रेसिपी लिख दिया करो यार, इतनी कंजूसी मत दिखाया करो, मान लो मैं बिजी हूँ, हम भी बिजी हैं, सब बिजी हैं, लेकिन रेसिपी लिख दिया करो, जब बताते हो हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, थोड़ी बहुत रेसिपी लिख दिया करो, क्या पता मुझे समझ में आ जाए, मैं भी ट्राई कर लूँ, मेरा भला हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जो लोग बोलते हैं ना कि यार आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, बहुत आप लोग ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैं पूछती हूँ वो भी आप लोग उसका भी जवाब दिया करें, ऐसा ना किया करें कि बीच में स्किप कर देते हैं, आप लोग जवाब देना भूल जाते हैं। तो और बाकी जो है ना, बाकी भी वीडियो वगैरह हमारे जो है ना बचे हुए आने वाले हैं, सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, इंशाल्लाह आएंगी, हम भी पटरी पे आ जाएगी, हमारी लाइन, हमारी गाड़ी जो भी है ना। तो ये देखिए मैं कितनी डेयरिंग दिखा रही हूँ, हाथों से काम कर रही हूँ, बट आप बिल्कुल नहीं करना ऐसा, तो मेरी तो आदत है, लेकिन मुझे देख के आप लोग कोई मत करना ऐसा, तो बुरी आदत है, बुरी आदत को फ़ौरन बदलना चाहिए। ये देखिए हमने फ़ौरन बदल दिया बुरी आदत को कितना कितना अच्छा रिस्पॉन्स है ना, फटाफट से चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे बस ये तवा मेरा बहुत फेवरेट है। मैं पता है पहले नॉन स्टिक में जो है ना, जब उसमें फ्राई करती थी, जब मैंने लिया था ना, तो बस मैं नॉन स्टिक के पीछे पड़ी रहती थी। हर चीज़ उसमें फ्राई करना है, बनाना है, सारी चीज़ें। बट फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, इस तवे की, जो लोहे का तवा होता है ना, इसकी तो बात ही अलग है। तो दुनिया इसलिए दीवानी है, तो यहाँ पे मैं इसी में बना रही हूँ। बड़ा अच्छा, मतलब मुझे अब इसमें ही अच्छा लगता है। ये भी ये देसी देसी नॉन स्टिक है एक तरह से। तो यहाँ पे कबाब बना रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं देख के। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं देख के, मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं इस टाइम लेट नाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है ना, तो उस टाइम पे ऐसे अच्छे अच्छे पकवान दिख रहे होते हैं ना, तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। और आप लोगों की क्या क्या तैयारियाँ हैं, आप लोग भी इंस्टाग्राम पे आ जाइए यार, फॉलो कीजिए। अब जब मेरी रेसिपी बनाया करें, मुझे वहाँ पे टैग किया करें, शेयर किया करें, तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं भी उसे टैग करूँगी। तो आजकल तो मुझे बनाने में बड़ा अच्छा लगता है कोई भी चीज़, क्योंकि बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं, कोई तारीफ करे ना करे, बच्चे बड़े खुशी खुशी खाते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद है। कबाब के साथ में बन कबाब जो होते हैं ना, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे भी बहुत फेवरेट है। इतनी मतलब मुझे मुंह में पानी आ रहा है ना देख देख के, भूख लग रही है मुझे, बोला ही नहीं जा रहा मुझे। तो यहाँ पे आप लोग को भी हो रहा है ऐसा क्या, कि देख के बताना ज़रूर मुझे, किस किस के साथ ऐसा हो रहा है मेरी तरह, राल टपक रही है देख देख के। तो जो है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है मतलब बन कबाब खाना, मुझे भी, मेरा भी फेवरेट है। आप लोगों का भी फेवरेट है या नहीं बताना, आप लोग खाते हैं बकरीद पे ऐसा कि नहीं। हम तो ज़रूर खाते हैं हर साल माशाल्लाह से। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि बन कबाब, रोटी भी नहीं बनाना पड़ती यार, छुट्टी हो जाती है रोटी की। तो ये बहुत मज़े का लगता है। इस तरह से बच्चों को मैंने सबको बना के दिया, बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चों ने बहुत खुशी खुशी खाया। और हम लोगों ने प्याज वगैरह भी रख के खा लिया था, बच्चों ने तो नहीं खाया, बच्चों को नहीं दिया, बाकी हम लोग जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने खाया। बाकी जुहान अभी नहीं खाते हैं, अभी जुहान छोटे हैं, बाकी जितने भी बड़े बच्चे हैं ना, वो तो माशाल्लाह से खाते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा बना है, ऑसम। जी जी जी, क्या हो गया? क्या क्या सामने आ गया? छोटे हम दिख जाएंगे, फिर हम फिर भी दिखेंगे तो बहुत छोटे हो। सुनो ना, खा लो खा लो, हाँ बोल दो गाइस, अच्छा है, टेस्टी है, अच्छा है। गाइस अरे सुनो, तो नानी गई। अच्छा नानी गई, याद आ रही है जोहान? चलो ठीक है, कभी नहीं थे वो क्रीम वाला बिस्कुट तोड़ेंगे वो। छी जोहान, कितनी गंदी बात है, बुरी बुरी बात, जोहान ऐसे नहीं करते ना, छी गंदा लड़का, उसके पास में लेके जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो, अच्छा है, ठीक है, चलो खाओ, जाओ उधर बैठ जाओ, आप भी जाके जा, गुड बच्चा, बाय कर दो, बाय बाय। तो देखा कितने मजेदार से कबाब हमारे फ्राई हुए हैं, और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे। और ये हमारी, हम लोगों की तैयारी है। और ये देखिए प्याज वगैरह हमने डाली हुई है, प्याज सारी ऊपर चिपक गई। तो ये इस तरह से जो है ना, हमने बना लिया था डिनर में थोड़ा थोड़ा सा ये, और रोटी वगैरह, जिसको रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली, मैंने तो पता नहीं क्या खाया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो ये कुछ दिन पहले ये क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो बकराईद से पहले ये रेसिपी शेयर कर लूँ। कितनी रेसिपीज़ तो ऐसी हैं मेरे पास जो मैंने शूट करके रखी हुई हैं, बट आप लोगों तक जाना ही नहीं हो पा रहा है, मैं मतलब दिखाई नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ के चक्कर में वो रह जाती हैं, कभी मैं भूल जाती हूँ, तो ये रहता है। तो चलो ये थी आज की रेसिपी। और ये हस्बैंड जो है ना, कुछ दिन पहले लेकर आए थे, वाह यार क्या खाने आ रहे हैं आज तो सामने, इतनी फेवरेट है ना मेरी ये इमरती, और इतनी क्रिस्पी, क्रिस्पीनेस आप देखिए उसके, आपको टच करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो वो इतनी क्रिस्पी थी, इतनी क्रिस्पी थी कि वाह यार, मेरी फेवरेट है ये इमरती। जहाँ से हम लोग लेते हैं ना, हम लोग मार्केट जाते हैं ना कभी भी, तो हम लोग ज़रूर खाते हैं वहाँ की। और पता ही ये अभी मेरी फ्रेंड ने देखा इंस्टाग्राम पर, तो उसका दिल जानने लगा, लेकिन कहाँ मिल रही हैं उनके, यार मिल रही हैं जहाँ से हम खाते हैं। फिर मैंने उसको एड्रेस बताया, तो बहुत मज़े की लगती है। भोपाल वाले अगर एड्रेस चाहते हो तो बताना फिर मुझे। तो गाइस, हाय गाइस, कैसी हो, वेडिंग फैमिली, ठीक है, सिस्टम मत करो। तो जायरा का ये बोलना जो है ना, सबको बहुत अच्छा लगता है। और आपकी जो सानिया हमारी है ना, वो कह रही थी कि जायरा से, उनको मैसेज आया था कि वो जायरा से पूछो और बोलो कि अच्छा, तो जायरा से बोलो कि ऐसा बोला करें, हर वीडियो में बोला करें।
देखिए मेहंदी की मेहंदी लग गई है, कितनी तैयारियां हो रही है। मैंने आज पहली होने वाली है, पता है किस बात की पहली होने वाली है? कल हम नानी के जाना है, रुकने के लिए। तो अभी जो हमने ना वीडियो शूट किए हुए हैं, अब वो वीडियो जो है ना आपको मिलेंगे वन बाय वन, तो वही हम और हम फिर वीडियो भी आने वाली है, तो देखना मत भूलना। और इन लोगों के इसलिए मुझे वगैरह ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे ये लोग, और मैं इसलिए ज़्यादा तैयार दिख रही हूँ, मैंने वीडियो बनाए थे, थोड़ा सा तैयार हो गई थी मैं। और बस मैंने यही बताने के लिए कि वीडियो आएंगे अब आप देखिएगा, और दूसरा हो सकता है कि बकरा ईद पे आप लोग भी बिज़ी रहते हैं, हम भी बिज़ी रहते हैं, हम बिज़ी कह रहे थे, हम मम्मी के जाएंगे इस बार, बस टाइम है कि हम लोग पहले जाएँगे यहाँ पर पहली बार नानी के बकरा ईद। हाँ, तो इस वजह से जो है ना हो सकता है कि उस टाइम पे जब हम लोग वहाँ रहे तो नहीं आए वीडियो, तो इसलिए तब आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा ईद को, हम भी इंजॉय करेंगे, है ना? हम तो नानी के एंजॉय करेंगे, नानी के। तो इसलिए हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको इस वीडियो के थ्रू, है ना? आप भी ना कहीं जाकर ना अपनी नानी या फिर मुमानी के घर या फिर अपनी पप्पी के घर जाके बनाना, घर में बोरिंग लगता है, बकरा भी नहीं आए। अच्छा। लॉकडाउन तो लगा हुआ, सबको पता होगा। मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है यार मिर्जा ने। और किस किस को घूमने का? बस नीचे भी लगेंगी। लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा नहीं चाह रहे घूमने का, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है ना मिर्जा, मिर्जा ने लगाई है सबको, इंजुला के भी लगाई है, मैंने नहीं लगाई है। अरे मैंने अपनी पसंद से लगवाई है, भरी हुई, और ये लंबी वाली मैंने लगवाई थी और मैं बहुत रो रही थी, ऊपर इतनी लगाई थी रोइजा के साथ। पता है मैंने एक आज जो है ट्राई नॉट टू लॉफ, है ना, ट्राई नॉट टू लॉफ चैलेंज भी किया है, तो उसका वीडियो भी जरूर 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 शेयर कर चैनल पे देखना। और वो जो मेरी मेकअप वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी ना, वो अभी मेरे अभी मेरे चैनल पे चैनल पे जाके देखना। नहीं मम्मा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, वहाँ से लिख लेना। और ये इतना अच्छा मेकअप किया, मतलब आईलाइनर को याद रखो, और मैं एक इतना गंदा मेकअप कि मेकअप आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। और मैं अपनी हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, तो देखना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और आपने मेहंदी लगा ली क्या मुँह पे? नहीं। चलो चलो ठीक है, बस अब बाय बाय कर दो। नहीं अब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, नो वीडियो, नो मोर वीडियो, जो वीडियो हो गई ना बस वो वीड़ी। वीडियो हाँ बाद में, हाँ ड्रेस भी स्टिच करना है, मैं स्टिचिंग में बिजी थी, याद होती नहीं थी, नए बाल ना बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, तो मैं ना स्टिचिंग में बिजी थी काफ़ी दिनों से, अब मुझे इतना इनका ड्रेस तो मैंने स्टिच कर लिया है, दिखाया नहीं है, ईद वाले दिन जब लोग पहनेंगे ना तभी दिखाऊंगी। दोहान का भी सी रही हूँ, दोहान के लिए भी और इनका भी सी रही हूँ, ठीक है? तो चलो अब यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ भाई बाय बाय कर दो, सब्सक्राइब करना, थक गई है अब बहुत ज्यादा, थक चुकी हूं मैं भी, बहुत ज्यादा खड़ी खड़ी हो जाना और सब्सक्राइब की गई बिल्कुल, तो मुझे भी तो बोलना है कुछ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट शेयर लाइक तो करना भूलना ही मत, हमारे हर वीडियो में जाके कर दो। जिसने भी हमको लाइक शेयर नहीं किया तो अभी जाके करो, वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो देखने से पहले ट्यूटोरियल जब चले गई होगा, है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जी मम्मी जी नहीं भूलेंगे, और में रखना है। चलो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।